सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और बहुत एक्साइटेड हूं मैं आज का ये वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि अचानक से जो है ऐश मुफारे सर जो लाइव हुए थे, काफी बढ़िया रहा। करीब लगभग आधे घंटे के करीब वो लाइव रहे और बेहतरीन जो है गुड न्यूज हमें सुनाई है। तो बिल्कुल आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि शायद सुबह आप तक जो है अपडेट ये मैं पहुंचाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि अभी भैया टाइम है, इंडिया में भी काफी लोग जगते हैं इस टाइम, क्योंकि अभी रात का टाइम है और आपको ये अपडेट भी बिल्कुल सुनना चाहिए। बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है हम सभी के लिए। और जो कूल जोन होता है, कूल जोन का जो एक लाइव करते हैं हमारे जो मार्टी सर है, उसमें क्रिस जॉनसन भी वहां पर मौजूद थे और कुछ देर तो वो जब लाइव रहे, लेकिन उसके बाद में ऐश मुफारे सर आए और लगभग आई थिंक आधे घंटे तक वो उसमें लाइव रहे और काफी शानदार जो है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है और हम सब बहुत एक्साइटेड थे काफी टाइम से कि ऐश सर कब आएंगे, कुछ गुड न्यूज देंगे। तो वैसे ही हुआ, ऐश सर वहां पर आए। जब उस टाइम 300 लोग के समथिंग थे, लेकिन आते आते जब ऐश सर आए तो करीबन यहाँ पे 3000 के समथिंग 2.8 लोग यहाँ पर जुड़ गए थे, 2.8 के लोग जुड़ गए थे। तो ये बहुत ही शानदार वहां पे चीजें उन्होंने शेयर की, जिसमें सबसे पहले तो देखिए ओ कनेक्ट को लेकर के उन्होंने कुछ चीज बताई कि ओ कनेक्ट जो है बेटर एवरीडे, यहाँ पे बहुत अच्छा हो कनेक्ट में जो है डेली कुछ ना कुछ मतलब हो रहा है और बहुत ही बढ़िया ये होते जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है काफी जो मिलियंस ऑफ लोग जो यूएसए में है, काफी सारे लोग जो है वहां पर उनका उन्होंने जिक्र किया, उनके बारे में वो बता रहे थे, जो बेघर लोग हैं उनके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। इस पे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, बैक ऑफिस में भी कुछ अपडेट आती है तो उसमें ये चीजों का मैं बता दूंगा। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो है जा रही थी हम सभी की उम्मीद थी और हम शो भी थे चीज को लेकर के बिल्कुल 100% श्योर थे कि ऐसा कुछ होगा और वैसा ही हुआ। और ऐश सर ने जो सबसे अच्छी गुड न्यूज यहां पर दी वो ये है कि भाई आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में जो है हमें बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलेगी और डेफिनेटली अप्रैल एंड तक आते आते जो है गुड न्यूज हमें देखने को मिल सकती है। तो वो कुछ भी अपडेट हो सकती है, बहुत ही जबरदस्त वो अपडेट हो सकती है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा जो भी चीजें हो रही है बैक ऑफिस में या ऐश सर आकर के और क्या क्या चीजें देते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस मंथ के एंड तक जो है बिल्कुल ये एंड होने ही वाला है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इस बीच में हमें बहुत सारी गुड न्यूज देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल कुछ ब्रेकिंग अपडेट हमें देखने को मिलेगी, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज हमें जो है देखने को मिलेगी। ये मिस्टर ऐश ने जो है लाइव में कहा था, जो हमारा कूल जोन लाइव हो रहा था। तो मिस्टर ऐश यहां ये भी बता रहे थे कि काफी चैलेंजिंग चीजें हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन चैलेंज के बाद जो एक नया शाइन होता है, जो नई बिल्कुल शुरुआत होती है, उसका अपना मजा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारे ऑन पैसिव में भी बहुत सारे चैलेंजेस जरूर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जरूर हो रही हैं, लेकिन यहां पर उसके बाद में जो एक नई शान, एक नई जो सुबह होगी, एक बिल्कुल नया जो शुरुआत होगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जो है होने वाला है। और यहां पर उन्होंने इस बात में भी डिस्कशन किया था जो कि मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं और मिस्टर ऐश भी इस बात को बताते हैं कि यहां पर देखिए जो है नेगेटिव पीपल या जो डाउट करने वाले, मतलब नेगेटिव लोग तो हैं ही है, लेकिन जो डाउट करने वाले लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं कि डाउट है, जिनके मन में डाउट्स काफी सारे हैं, वो ऐसे लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ने। यहाँ पे देखिए जो रियल चीजें होंगी वही, और जो दिल से इस चीज को अपना रहे वही यहाँ पर ऑन पैसिव में है और आगे भी वही लोग जो है सक्सेसफुल भी होंगे। क्योंकि अगर आप डाउट करोगे ऑन पैसिव के ऊपर या कोई आप नेगेटिव हो रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल उस पर हमें ध्यान नहीं देना, ये भी मैं आपको बार बार बताता हूँ। और उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी शेयर की है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ऑन पैसिव 360 जैसे वहां पे पूछ रहे थे हमारे जो क्रिस जॉनसन सर है, वो उन्होंने क्वेश्चन किया था, एक पूछा कि जैसे हमारा वहां पर भी गुरुवार के दिन जो है थर्सडे के दिन हमारा अफ्रीका का एक बहुत बड़ा एक वेबिनार होने वाला है और ऑन पैसिव 360 भी लगभग गुरुवार बुधवार में ही होता है, तो इसमें अभी क्या करेंगे, क्या इसमें आप ऐश सर आएंगे या नहीं आएंगे। तो बिल्कुल वहां पे कुछ डिस्कशन जरूर हुआ है और हो सकता है कि गुरुवार या थर्सडे जो हमारा आ रहा है थर्सडे में जो मे बी इसमें चांसेस हैं यहाँ पर कि शायद आ भी सकते हैं, 99% चांसेस है कि यहाँ पे ईएसटी टाइम इसका 2 बजे हो सकता है और उसमें भी ऐश सर आ सकते हैं। तो देखिए वो तो जो भी होगा, ऐश सर ने बताया कि वो जो है बैक ऑफिस में उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो मे बी चांसेस बहुत अच्छे हैं कि जो हमारा थर्सडे तक आते जाते जो हमें और भी यहाँ पर कुछ और चीजें देखने को मिल जाए, लेकिन ये बात तो तय है कि गुड न्यूज बिल्कुल हमारी यहाँ पर 100% जो
तैयार है आने वाले दिनों में, और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिलेगी। मिस्टर ऐश मोफारे एक चीज और बहुत अच्छी बता रहे थे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि विक्ट्री जो होती है उस बहुत ही डिलिशियस होती है। विक्ट्री डिलिशियस होती है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके जब आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल दोस्तों हम यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, यहाँ पे काफी लोग जो पॉजिटिव हैं, यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे विक्ट्री जो होगी बहुत ही डिलिशियस होगी, क्योंकि हार्ड वर्क के बाद में जो एक जीत का जो मजा होता है वो अपने ही लेवल पर होता है, वो नेक्स्ट लेवल पर होता है दोस्तों। और ये हमारे लिए सबके लिए बड़ी गुड न्यूज है कि अप्रैल का एंड आते आते बहुत सारी चीजें तो होंगी होंगी, और इसके अलावा जो है एक चीज और मिस्टर ऐश ने बताई थी जो काफी अच्छी थी, जो कि मई आते आते जो मई के जो आप देखेंगे बीच में, मई के लगभग जो करीबन वीक एक वीक के बाद में सेकेंड वीक में जो है मई में और भी कुछ अच्छी गुड न्यूज हमें देखने को मिलेगी। ओ करेक्ट को लेकर भी हो सकती है और भी कुछ चीजें यहां पर हो सकती है। ये बहुत ही शानदार अपडेट जो है मिस्टर ऐश ने दी है, हालांकि उनकी यही चीज काफी थी कि भाई इस मंथ के एंड तक दिनों में आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। वो क्या होगा हम जस्ट यहाँ पे गेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बता नहीं सकते क्योंकि किसी को पता नहीं है। क्या वो सब्सक्रिप्शन को लेकर के हो सकता है, क्या वो वॉलेट्स को लेकर के हो सकता है, क्या वो ट्रैफिक को लेकर के हो सकता है, या पेंडिंग विड्रॉल, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए सब कुछ अच्छा हो तो उसके लिए गुड न्यूज हमेशा शेयर कीजिए और अच्छे लोगों के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहिए। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।